Success Education Gallery, a leading name in coaching classes, announcement करने जा रहे हैं admission 2023 की। कोराड़ी में थर्मल प्लांट के मेगावाट एक्सपांशन को लेकर दो दिन पहले स्थानीय लोगों के साथ पब्लिक हियरिंग हुई, लेकिन इस हियरिंग में नियमों का उल्लंघन किया गया और दबाव में लोगों का समर्थन लिया गया है, ऐसा आरोप प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण समिति ने लगाया है। समिति द्वारा जिन क्षेत्रों में थर्मल प्लांट है वहां का जायजा कर एक फिल्म तैयार की गई है, जिसमें लोगों ने कुछ समस्याओं की जानकारी दी और फिर पब्लिक हियरिंग के समय विपरीत प्रतिक्रिया देने लगे। समिति के सदस्यों ने कहा है कि यह उन लोगों के स्वास्थ्य को नुकसानदायक है, इसके बावजूद न जाने लोग किसके दबाव में आकर समर्थन दे रहे हैं। जब हम उस पब्लिक हियरिंग में पहुंचे तो हमारे साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। पर्यावरण संरक्षण समिति ने प्रेस विज्ञापन के माध्यम से इस हियरिंग का विरोध जताते वे कई आरोप लगाए हैं। माजी सरपंच कॉन्ट्रॅक्टर चे लोक सगळ्यांनी पूर्ण जागा ऑक्युपाय करून ठेवली होती। आम्ही जेव्हा इथून शहरातन निघालो आणि तिथे पोहोचलो, आम्ही एक तासापूर्वी पोहोचलो तरी तिथे पूर्ण खचाखच भरलेला होता आणि याचा अर्थ साफ होता की आमच्यासारख्या लोकांना तिथे येऊ द्यायचं नव्हतं आणि बोलण्याची संधी पण द्यायची नव्हती त्यांना। त्यांना सांगण्यात आलं होतं की जेव्हा आम्ही बोलू तेव्हा त्यांना हुटिंग करायचं आहे आणि आम्हाला बोलायला द्यायचं नाही आहे। आम्ही सगळे टेक्निकल मुद्दे तिथे मांडत होतो कारण पर्यावरणची सुनावणी होती म्हणून आम्ही पर्यावरणच्या विषयावरच। कॉन्ट्रॅक्टर दिए हुए है, उन्होंने कल सवेरे 8 बजे से लोगों को वहां पर लाके बिठाया था। करीब 2000 लोग वो थे, हम लोग करीब 30-40 लोग जो बोलने के लिए थे। इतनी पुलिस, इतने लोग जो पहले से आके जगह पकड़ के थे। पहली झंझट जो हुई शुरुआत में वो जगह को लेके हुई। जब हम लोग वहां पर पहुंचे सामने और बोले कि हम कहां बैठेंगे, तो बोले कि साइड में जो कॉलम बने हुए वहां पर आप लोग बैठ जाइए। अरे साइड में बैठेंगे तो वहां जनसुनवाई में बोलेगा कौन? हमने DCP साहब को वहां पर रिक्वेस्ट किया, फिर उन्होंने झंझट हुई तो उन्होंने एक जगह खाली करके दिया कि यहां पर बैठिए। जनसुनवाई ऐसी नहीं होती, जो अगेंस्ट में आए और फॉर आए उनको आप ऐसा सेपरेट। एक अतिशय महत्वाचा मुद्दा असा होता की ही जनसुनावणी ही पर्यावरण जनसुनावणी होती आणि पर्यावरण जनसुनावणीचे काही कायदे नियम आहेत आणि काही कायदे नियम हे गव्हर्नमेंटने जनसुनावणीसाठी नमूद केलेले आहेत। त्यामध्ये अपेंडिक्स 4 प्रोसिजर फॉर कंडक्ट ऑफ पब्लिक हिअरिंग आणि याचं जे बेकायदेशीर जनसुनावणी काल घेण्यात आली त्याच्यातले काही महत्त्वाचे मुद्दे मी तुमच्या समोर मांडतो। सर्वात पहिला मुद्दा असा होता की कोणत्या वहाँ पर भी जानकारी उपलब्ध नहीं थी और उन्होंने हमको अवगत कराया। जब मैंने उनको पूछा कि भाई जानकारी चाहिए मुझे RTI द्वारा, तो उन्होंने MPCB को कॉन्टैक्ट किया और MPCB ने उनको 25 तारीख को ये जानकारी बताई, मतलब मात्र 3-4 दिन पहले। इसका मतलब ये है कि पूरा नोटिफिकेशन फॉलो हुआ नहीं। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ थी कि जो अथॉरिटीज़, जो मैंने अभी आपके पास सामने जो प्रेस नोट है उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन सी अथॉरिटीज़ को देना है, उसका अगला पैरा आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि ये जो पब्लिसिटी की जिम्मेदारी है सिर्फ MPCB तक सीमित नहीं है। इन सब अथॉरिटीज़ में, जिसमें NMCB आ गया, NLDP आ गया, ग्राम पंचायत आ गई, जिला परिषद आ गई, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर आ गया, सब आ गए और उनको अपने अपने नेटवर्क में, अपने अपने कार्यक्षेत्र में उन्होंने इसकी वाइड पब्लिसिटी करना है, जो बिल्कुल की नहीं गई। तो मेरा ये पक्का मानना है कि यदि ये मैटर को जो अथॉरिटीज़ हैं, जो भी कंसर्न, हमारी डिमांड ये है कि उन्होंने इस पब्लिक हियरिंग को कैंसिल करना चाहिए और इसको इलीगल डिक्लेयर करना चाहिए। नहीं होगा तो जो होगा भविष्य में आप सब लोगों को पता चलेगा। धन्यवाद। कोणाचा दबाव है एक्जैक्टली लक्षात येत नाही, कारण तुम्ही जी फिल्म बघितली असेल, आम्ही जी दाखवली, जी लोक म्हणत होती की पॉवर प्लांट यायला नको, आमच्या मुलांची तब्येत खराब होते आहे, आमची मुलं, मॅडम एक मिनिट, आमच्या मुलांना अनेक प्रकारचे रोग लागत आहेत, ती कालच्या जनसुनावणीत येऊन त्याचं समर्थन करत होती, तर याच्या मागं एक्झॅक्टली काय कारण आहे हे आमच्यापेक्षा तुम्हा पत्रकारांनी शोधून काढलं पाहिजे। मी कलेक्टर कायद्याचं उल्लंघन करत आहे असं नाही म्हणणार आहे, कारण आम्ही कालचं रिप्रेझेंटेशन कलेक्टरमार्फत पोल्युशन बोर्डाला केलं। पण मी एक तुम्हाला लहानसं उदाहरण देऊ इच्छितो, या सगळ्या जनसुनावणीत सगळ्यात महत्त्वाचा भाग असतो आलेल्या लोकांची नोंदणी करणे। आणि काल आम्ही जेव्हा तिथं गेलो जवळपास 11:40 आम्ही तिथे पोहोचलो, 12:30 हिअरिंग होती, कुठेही रजिस्टर ठेवण्यात आलेलं नव्हतं। ज्या सकाळी 12:30 तुम्हाला बातम्या आल्या असतील, TV फ्लॅश झालं असेल की गोंधळ नाही झाला, आम्ही मागणी केली की रजिस्टर आणा आणि हो हे कोर्टात उद्या जेव्हा येईल तेव्हा येईल, पण आज मी तुम्हाला सांगू इच्छितो MPCBनी स्वतःचे रजिस्टर न आणता
महाजनकोचे रजिस्टर घेऊन बाहेरची माणसं लावून नोंदणी केली. नोंदणी करत असताना अलग अलग वेगवेगळ्या प्रकारची रजिस्टरं वापरली. आणि सगळ्यात महत्त्वाची, आज आपण कुठलेही येतो इथे, तुम्ही पत्रकार परिषदेत आला, 1, 2, 3, 4 सिरियल नंबर वाईज लिहितो, तिथे कुठलाही सिरियल नंबर नव्हता. ज्याला जसं वाटत होतं त्याला तसा त्याचा नाव आणि नंबर लिहून देण्यात आला होता. सगळ्यात महत्त्वाचं, इथे जी आलेली लोकं होती, आमचं जर असं म्हणणं असेल की इथे आलेली लोकं ही स्थानिक नव्हतीच, तर याचं एमपीसीबीकडे काय उत्तर? एनबीसी न्यूज के लिए अजित कुवर के साथ माहीन पठान की रिपोर्ट. For more details and registration, please contact to Dr. Madhuri Shinde on 888-888-34-36 per.